दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आजकल समाज में जाति के बारे में चर्चा फिर से एक तेजी से सामने आ गई है। जब से पिछले एक आध साल से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा है, तब से इसके बारे में अलग अलग राय, अलग अलग ओपिनियन समाज में सामने रखी गई है। जबकि ज्यादातर जो सामाजिक परिवर्तन के लिए हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। जैसे पिछली बार के चुनाव में जातिगत जनगणना, ये इंडिया अलायंस का एक काफी बड़ा मुद्दा था। अब उसके विरोध में बीजेपी या तो खामोश है या उसके कुछ जो वक्ता हैं वो इसके विरोध की बात बताते हैं। जबकि अभी अभी एक इंटरव्यू में ये बीजेपी की जो नई सांसद हैं कंगना रनौत, जो अपने बयानों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा जातिगत जनगणना कभी नहीं होनी चाहिए। उसी समय आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य में एक लेख आया और उसका शीर्षक से ही वो एक आक्रामक मुद्रा में था। लेख का शीर्षक था, नेताजी आपकी जात क्या है, ये आर्टिकल का शीर्षक था। और उसके बाद उन्होंने दो मुख्य बातें कही। एक तो ये जो जातिगत जनगणना का मामला है, उससे अलग होके भारत में जाति व्यवस्था कैसे महत्वपूर्ण रही है, इसके बारे में इस लेख में विस्तार में कहा गया है। पहले तो उसमें दो आर्ग्यूमेंट हैं, दो मुख्य तत्व हैं। एक तो जातिगत जनगणना तो एक बात है, पर जाति व्यवस्था के कारण भारत में हिंदू समाज की एकता बनी रही, हिंदू समाज मजबूत बना रहा, ये उनका एक लक्ष्य ये है। और दूसरी तरफ से ये बात कि आज जो सिर पर मैला ढोने की प्रथा है, वो मुगलों द्वारा लाई गई, मुसलमान शासकों द्वारा लाई गई। अब वैसे देखा जाए तो ये दोनों बातें पूरी गलत है। इसमें पहली बात तो ये है कि जो जातिगत जनगणना के बारे में वो एक मिशनरी साहब को कोट करते हैं, जो कहते हैं कि भारत में ईसाई धर्म का ज़्यादा विस्तार इसलिए नहीं हो रहा कि लोग अपनी जाति से बहुत पहचाने जाते हैं। अब ये मिशनरी साहब करीब उनकी बात 1200 साल पहले की है, और उसमें ये बात स्पष्ट है कि आदिवासी, दलित और गरीबों में जो ईसाई धर्म फैला है, उनमें भी फैला है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए मिशनरियों के प्रभाव से आकर धर्मांतरण किया। फिर भी आज भारत में ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो जनसंख्या का 2.3% है, 2.3% है। तो इनकी बात को वो एक सकारात्मक रूप में कोट करते हुए लेख कहता है कि ये है भारत की जाति व्यवस्था का महत्व, कि यहाँ दूसरे धर्म इसको, यहाँ की एकता को खत्म नहीं कर पाए। दूसरा, अब मुसलमानों के बारे में जब कहा जाए तो मैं इसको बार बार कह चुका हूँ, स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं में बार बार कई जगह लिखते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला, यहाँ के लोगों ने जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया। अब ये दो चार उदाहरण हैं जहाँ एक हिंदू राजा मुसलमान राजा में झगड़ा होता है और जीतने वाला मुसलमान राजा हारने वाले हिंदू राजा पर एक अपमानजनक शर्त लगा देता है कि आप मेरे धर्म को स्वीकार करो नहीं तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। वो पर उस तरीके से कोई इस्लाम फैला नहीं। जो आम लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया वो मेल जोल के कारण किया और कई बार सूफी संतों के प्रभाव से किया। और जैसे स्वामी जी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण था कि जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचना। तो लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, लोगों ने मिशनरियों के प्रभाव में, मिशनरियों के सेवा कार्य, स्वास्थ्य कार्य, शिक्षा में कार्य के कारण प्रभावित होने के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में थोड़ा सा ईसाई धर्म भी फैला। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है कि जातिगत व्यवस्था के कारण भारत का हिंदू समाज मजबूत रहा है। और हिंदू समाज की मजबूती के बारे में फिर ये कई किताबें भी निकालते हैं कि यहाँ तो बहुत जातियाँ हैं, पर सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ समान हैं, एक समान है। अब ये कोई सच्चाई नहीं है इस बात में, क्योंकि भारत में जो जाति व्यवस्था है, यहाँ की ऊंच नीच उसी के कारण बनी हुई है। और यहाँ का जो दूसरा भी पूरा व्यवस्था है वो
इस जाति की ऊंच नीच के कारण ही है। अब दूसरा इनका जो कहना है कि ये छुआछूत की प्रथा भारत के पहले धर्म ग्रंथों में नहीं है, ये छुआछूत की प्रथा मुसलमान राजाओं के आने के बाद चालू हुई। अब इसमें भी पूरी तौर से गलत है। गलत इसलिए है कि छुआछूत की प्रथा जो चालू हुई उसका उल्लेख मनुस्मृति में भी है कि जो चांडाल हैं, जो शूद्र हैं, उनकी छाया सवर्णों पे नहीं पड़ना चाहिए, उनका कोई भी उनको भी स्पर्श करना भी एक प्रकार से पाप है, उनका मंदिरों में प्रवेश करना के कारण भगवान अपवित्र हो जाएगा। तो एक तरफ से तो छुआछूत के बारे में भी जो कहते हैं पूरा गलत है, ये कोई मुसलमानों के आने के बाद चालू नहीं हुई, ये काफ़ी एक पुरानी प्रथा है जिसका उल्लेख भारतीय धर्म ग्रंथों में मिलता है, और वो भी इसलिए मिलता है कि उसमें स्पष्ट रूप से जो वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच थी, उस वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच को जाति व्यवस्था के कारण, जब जाति व्यवस्था आई तो उसको मजबूती मिली और निम्न जातियों को, दलितों को एक प्रकार से समाज से दूर रहने के लिए कहा गया। अब तीसरी बात है सिर पर मैला ढोने की। तो वो लेख कैसा कहता है कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उल्लेख प्राचीन भारत में नहीं मिलता, तो ये भी पूरी तौर से गलत है। गलत इसलिए है कि नारद स्मृति, ये एक मुझे याद है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जो निम्न जातियों में जो चांडाल हैं उनका काम बाकी कामों के अलावा यहाँ का मल मूत्र साफ करना है, और उस समय कोई इस प्रकार का इरिगेशन पानी के माध्यम से मल मूत्र को बहाने की कोई परंपरा नहीं थी, कोई उस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। वास्तव में देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी की पानी जिसको आज हम सैनिटरी जो आज इस्तेमाल होता है वो पहले नहीं था। ये एक्चुअली कई मुगल महलों में इस प्रथा को देखा गया, इसकी शुरुआत हुई कि पानी के माध्यम से अलग कोठरी में एक टॉयलेट है और वहाँ पानी के माध्यम से उसको बहाकर दूर ले जाया जा रहा है। तो ये जो बातें कही जा रही हैं छुआछूत के बारे में और सिर पर मैला ढोने की प्रथा के बारे में, ये प्रथाएं कोई मुसलमान राजाओं के आने के बाद नहीं हुई। ये उसके धर्म की तो बात मैं नहीं कहता, पर जो यहाँ की जो परंपराएं थी उन परंपराओं में ये पहले ही इनग्रेन था, पहले से ही था। तो ये लेख बड़े एक आश्चर्य की बात करता है, क्योंकि अभी तक इनका एक दावा था कि मुसलमान राजाओं के आने के बाद या उनके आतंक के कारण, उनकी तलवार के कारण इस्लाम फैला। अब पहले तो ये कह रहे थे, अभी कह रहे हैं कि इसी जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को मजबूती दी जिसके कारण हम इतने सदियों से चले रहे और दूसरे धर्मों का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये पहली गलत बात है। दूसरी बात, ये छुआछूत की प्रथा मुसलमान राजाओं के आने के कारण हुई, वो भी गलत है, क्योंकि इसका उल्लेख छंदोग्य उपनिषद, फिर नारद मनुस्मृति में मिलता है कि कैसे निम्न वर्ग के लोगों को उच्च जातियों के नज़दीक नहीं आना चाहिए। और तीसरा, जो सिर पे मैला ढोने की प्रथा है उसका मैं उल्लेख फिर से कर दूँ कि ये पहले चांडालों के लिए इस काम को छोड़ा गया था, निम्न जातियों के लिए इस काम को छोड़ा गया था, और क्योंकि भारत में उस प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं किया गया, क्योंकि ये तो वैसे पता ही था यहाँ के धर्म ग्रंथों के आधार पे कि भाई ये काम एक प्रकार के निम्न जातियों का है। और जहाँ तक ये सवाल है कि जातियाँ बनी रहनी चाहिए, इसमें इतनी उपलब्धि है, तो उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्होंने अपने किताब में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन इंडिया, इन सब बातों में लिखा है कि भारत के पिछड़ेपन का और बाकी चीज़ों का जो मुख्य कारण है वो यहाँ की जाति व्यवस्था है, यहाँ की वर्ण व्यवस्था है। तो एक तरफ जहाँ ये लोग हिंदू राष्ट्रवाद में मानने वाले एक तरफ जाति व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, उसको एक गौरव प्रदान करते हैं, दूसरी तरफ वो मुसलमानों को यहाँ की बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, और तीसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखा, इसको एक गलत प्रथा बताया,
एक शोषण की प्रथा बताया, शोषण का आधार बताया, और इसी कारण उन्होंने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए ये जो है जाति व्यवस्था, इसका समूल से उच्चाटन किया जाना चाहिए, एनहालेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए। तो मिला जुला कर बात यही आती है कि आज जब जातियों के उच्चाटन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है उनका आरक्षण। अगर उनको आरक्षण देना है तो मुद्दा आता है जातिगत जनगणना करना। तो ये दोनों चीज़ें इस प्रकार से हैं जो समाज को एक बराबरी की दिशा में ले जा सकते हैं। उसके उलट जाति व्यवस्था का गुणगान करना और उसके बुराइयों को मुसलमान राजाओं पर डालना, ये हिंदू राष्ट्रवाद का एक तरीका है जो पूरी तौर से अंदर के दोषों को बाहर डालने की कोशिश करता है। हमें इसको सावधान रहना चाहिए। और आज जो आरक्षण का मुद्दा है उसमें जो भी चीज़ें मूलभूत तरीके से लगती हैं उसके लिए समाज ने अग्रसर होकर वो करना चाहिए, ताकि हम ऐसे समाज की तरफ बढ़ सकें जो समानता में वास्तव में विश्वास करता है, और ये हमारी सोच का एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।